लड़का लाली है वरना वह को महाभारत में अभिमन्यु बोले जाते रुकनी तो है भाई बिना हुक्म बड़ी जोर से लाली है वरना रहा शादी की उक्ता देखे कुंती माता कहा एक नाती की तो शादी करवा दे हम जरूर। अब एक नाती मात्र से बच गए लाली है वरना सुभद्रा नंदन राजा लाली है वरना इसकी नाती की भी एक ही शादी हो जाती तो बड़ा बढ़िया रहा। ऐसी है कि कुंती माता दिन प्रति पांडव उनकी पुचरी लगावे कहे बेटा या नाती की भी शादी कर बेटा। पांडव ध्यान न दे कुंती माता के बातन मेरे ध्यान न दे रे भाई तो कुंती कहे फिर छल कपट करना चाहिए अच्छी सुभद्रा को खाना मांगी से कुंती देवी अपना इस देवी को मनाई से भाई माँ दुर्गा जी में फूल फेंके शंकर जी में पानी चढ़ाई से देवी देवता को अपना मनावे भाई और कुंती माता धरे तुठा था छोटा घर सिरकोप महल में चले गए जाए के मरे के समान सोए गए कुंती रे ब्रह्मांड में मस्त में अपना जीव को छुपावे हमारे के सामान हो गए तो सुभद्रा के पर्दे के याद तरह दिन प्रति के अपना फुआ दाई को सोन के गड़वावा गंगा जल पानी और जामुन के दतून दिन प्रति दय कराए जब पता न चले कुंती छल करे हराया सुबह के 7 बज गए अगर कुंती देवी की पता न चले तो सुभद्रा जी पानी रख के जाते हैं कहाँ की कूप महल में जाए के जगह वह कहा उठ जाए माता जी इतना समय तो पाठ पूजा हो जाए नहाए धो लिया आज कैसे नहीं उठा सुना सब बातन को कुंती अगर छल कपट करे रहे से मरे के समान चुपचाप कर आवाज लगा दे किसी फिर भी आवाज देवी कुंती की नहीं चलाई तो हिलावा डलावा लगी से देवी सुभद्रा जैसे करे वैसे हो कुंती माता पूरा शरीर को लूज कर दी दुर्गा
देवी सुभद्रा चिल्लाए चिल्लाए के रोए हयावारे पांडव दुख न तापुआ मर गए अपने आपे ऐसा कौन सा मृत्यु हुआ गेरे माता जी के दाने रे पांडव घबराए गेंद्रा दा गदबुदाए के दौड़ी ने रे गदबुदाए के जाए के रे भाई जगावे कुंती को रे जगावे रे कुंती देवी को जगावे भाई तो जैसे करे वैसे हो कुंती माता पूरा शरीर मरे के समान अपना मस्तक में सांस को छुपा रहा ब्रह्मांड में किलप किलप के पांडव रोए कहे देख रे भैया माता जी खत्म हो गए ऐसा कौन सा मृत्यु आए गए वो माता जी के दाने रे पांडव रोए किलप किलप के पांडव देवताया जब ज्यादा चुरवाए लगे तभी हम पांच से जाते कहे सांच मर गए जो कदाई तब ज्यादा चुरवाए लगे रे जरम के बदमाशा भीम धरम के बदमाशा भीम रे बहुत ज्यादा पांडव जब रोए लगी ने चहार दे की तो भीम कहे सही करके जो कहा माता जी खत्म हो गई अच्छा काल बात करके गई थी मौत अगर मरना मौत है कहूँ मरे ना गए हो ऐसे कहा कि भीम एक मन में भी विचार आई तो भीमसेन भी गई थे भाई जाए की देखी थी अपना माता जी वज्रा पजरा पांडव वहाँ चारों तरफ की खुरा पकड़ के माता जी को देख दे के कुंती माता छल कपट करके चुपचाप रहो गाँव आते ही सब सुनाया अगर चुप रहे भीम जाए के सपने नाड़ी पकड़े माता जी के नाड़ी पकड़े रे रे भाई तो बराबर जिंदा के नाड़ी चलाया खत्म हो जाते नाड़ी बंद रहते बड़ा बड़ा नाड़ी चलाए रे जान गई भीम जाई छाली से करके जाई झटका मारी से करके जान गया पादन किबला अपना है देख जाए भाई अपना जननी जन मानने वाले माता जी आए भारी बिलाप से रोए छाती कूटे सिर धोनाए अजरा पजरा पांडव रोए पड़ी जो कहे माता जी ऐसा कोई हमें वो उपाय नहीं बताए पाए कि खत्म हो गए और भी मैं तो एक आंसू नहीं रोए वह तो जान के रह जाए के पांडव कहे ना रे भीम सबला भाई हम रो रहे हन और तो एक आंसू नहीं रोए कौन सर स्पुरुष रहे माता जी के साथ जो की तो ही बड़ी बढ़िया लगे जो की तो एक आंसू भी नहीं रोए भीम कह रहे कोनो रोवैया कोनो समझाइयो तो रहना चाहिए रे सब के सब रोग तक कौन समझाइए जन समझाने वाले रहना चाहिए भाई पांडव का ठीक है भीम ठीक है माता जी जनवाने वाले देख भला रे भीम वो सुरवाए के रे अपना बड़ शरीर बनाए अरे का सुनाए रोस भीम कहे नहीं नहीं रोने वाले हैं रे गवार तो मरने वाले मर गए रे भाई अगर
रोज से मिल जाते तो आई तब तो मैं दिन न रात रोता कहे पांडव कहे उल्टे बताते उल्टे बताते ही भीम कहा एक काम कर रे रोना गाना बंद कर दाई की आगे पानी की व्यवस्था करा ये पाना कहे न रे भीम कैसे रे यादव बकाए जब मेरे भैया रे भीम कहे नहीं नहीं ज्यादा समय मत करो रे अग्नि मिट्टियों को तो जतन लगाने पर ही मरने वाले मर गए पांडव कहे कौन सा काम करना चाहे मिट्टी देना चाहे कि अग्नि संस्कार पांडव कहे नहीं रे भैया नहीं नहीं माता जी को पुराना सियाना अग्नि संस्कार करना उचित है कोनो कहा नहीं भैया मिट्टी के चोला रे मिट्टी में मिला दे रे मिट्टी में मिला रे अरे भीम कहे सब गलत है रे भाई सब काम तुम्हार गलती है या दुनिया भर के दंड फंद मैं नहीं कर ले कहे भीम बलवा कहा नहीं भाई अग्नि संस्कार कर देना चाहिए माता जी को पुराना सियाने ना कोनो कहा नहीं मिट्टी की चोला में चीनी मिलाना चाहिए तो भीम कहा नहीं एक बात है कहा यदि अग्नि संस्कार करने हैं तब तो कतना लकड़ी कंडा और चंदन काट की चिता बनाने पड़े मगर कना है तो चंदन काट के कितना सुंदर चिता बनाने पर ही जब रे सुंदर चिता बन ही माता जी के लाने तैयार बड़ी हाथ चिता जब माता जी के लाने तैयार हो ही जब चिता में भाई माता जी को रखी चिता में अग्नि देवता के हाथ धोआ के रे दादाजी मो जब प्रकट कर ही अग्निदेव को सुंदर चेता में भाई कहा जब बढ़िया सुंदर चिता बनी माता जी की लाने जब चिता तैयार हो जाए कहा तो माता जी को चिता में रख अग्निदेव तक के तीन जीव होते हैं कहा एक मुर्दा खाने वाले जीव हलक खाना बनाने वाले जीव हलक आहुति लगाने वाले जीव हलक जब सुंदर चिता में माता जी को अग्नि देवता के रे रामा हाथ में धोआ के रे प्रकट करी कैसे के देख सकू जा चिता में जल के भरसा माता हो भार जल ही रे दादा बन के लकड़ी समा दे के जल जाए बन के घास के समान बन के घास के समान के जल जाए दे नौमन के काया जलेगा धुआं लगेगा दादा आकाश में कैसे के माता जी को देख पाओ रे भैया नहीं देख सको जल के भसम हो समय में रे जब धुआं लगी रे आकाश नौमन के काया जरी रे कहा ना बना केस जलेगा बन के घास के समान हार जल जाएगा बन के लकड़ी के रे समान सुंदर चिता में माता जी को कैसा करके देखो रे कहा तो मिट्टी दे दे भीम मिट्टी दे दे तरे माता को भीम कहा मिट्टी भी देना गलती है कमर छाती तक गड्ढा खोदने पर ही भाई राजा रे छाती तक तो गड्ढा खोदने पड़ी जब गड्ढा के अंदर माता जी को रखी तो मैं कैसा करके दे मुह कैसा करके माता जी के देखूं का है तो कौन सा काम करी बता रे भी
भीम कहे काम है वो चल जाना है रही से कहे भीम बलवान माता जी के एक पैर पकड़ के फेंक दे घुमाए के समंदर जी मां जाय के गृह समंदर में खाही बोध मछली तुरसे पाए कुंड पहुंची रे या सलाह बढ़िया है का है भीम या दुनिया भर के दंड फंद गड़बड़ है रे आगी देना तो मिट्टी देना सब गलत है कहा माता जी के पैर पकड़ के फेंक दो समंदर में खाई बोध मछली सुर्द बैकुंड पहुंची मछली ऐसी सीमा ही कहा जी सुनाए कुंती सब वार्तालाप को सोए सोए भीम पकड़े चो थे जाय की कुंती कहे दादा सच्ची रहू तो सांचे झे फेंक फुका का कर लू भाई हक की फेंक दे की डर की मारे मूड खजाओ तुट के बैठ गई करके लाना थारे रखो जगासा बेटा कछु चिंता तकलीफ नहीं अगर नाती के रे शादी कर देता बेटा भारी चिंता छाई से नाती के रे लड़की हो या न था लड़का शादी हो भय जाने से शादी नहीं कराए रे तो घर मालिक ऊपर एक से बाप से दिन समात है बेटा शादी कर देता नाती के शादी रे घर भर गुजर रही थी घर भर निकल रही से देखा नाती दादा ये जिंदगी में धर्म की कम है दे दे सारे कुंती माता पांडन को समझावे पड़ी जो काय लड़की हो या न था लड़का यदि शादी योग हो जाने से शादी न करें तो घर मालिक के ऊपर एक सिर पाप दिन प्रति समान ऐसे धर्म की कमाई नाती की दे लेता चौथापन है कहे राड़हार खरखा डांड में छाड़ में आज मरों की काल कहे दिन दिन घट रही से श्वासम और नहीं आज जिये की आशा दो चार दिन से भड़गक कना की पत्थर आश्रत था की कमाई डॉक्टर इनके ऊपर रख तन कहते ऐसे बेटा तुम नाती की शादी कर दिया मोर चौथा पन आ गए धर्म की कतल चिंता के कारण आज मैं डूबे हूँ पांडव का है माता पिता गुरु की बानी बिना बिचारे वेद मन माही माता और पिता और गुरु कभी गलत रास्ता नहीं बताए सहज रास्ता बताई ऐसे माता पिता की बात को कभी न टालना काटना चाहिए ऐसे क्या की पांडव कहा ठीक है तो माता जी हम लाली वर्ण की शादी करे दे थे सहदेवता से कहा भाई सहदेवता कहाँ है लड़की और कहा मिली कहा है लड़का की मतलब शादी की योग है जरा बाज के तो बताओ तो नकुल सहदेव दशर राजा अर्जुन भीम के चोरी में सलाह ही कराए भाई भाई जातम भाई द्वारकापुर में भद्रीनाथ के बेटी हवारे भाई बसंत आया दल कुमारी है रे देवन के घर भीम को न बता चोरन माँ बेटी माँ के लाने जाने भीम के भीम बने बात को बिगाड़ दे सहे बिगड़ी बात को बना दे सहे भीम है बदमाश रे दादा भी चारों भाई चर चक्र तो उनका भीम देरी कान में सुन गए से रे भीम कहा तुम्हार मैं बातन को समझ
गयो कहा तुम जाए हरिद्वार खापुर में भद्री नारायण के पास। भद्री नारायण की लड़की है भैया बसंत नारी माधव का रहे हाय आगू आगू जा पाच से महुआ रहे हो कहे भी बने बात को बिगाड़ो मैं कहा बिगड़े बात को बनाऊंगा कहे रे भीम बलवान गाए भाई पागा पाया भीम जान गए सा नहीं जान बेटी माँ गए रे नहीं जान दे भैया नहीं जान दे भीम के ऊपर पूरा सिर भार कर दई काहे भीम शादी करते तय न करते तय अब हम नहीं जान कर जाए जा सुनता है तय अब हमारी कस बता बता भीम कहा ठीक है तो जब मोर सिर भार डालता है तब मैं मांगूंगा बेटी और मैं शादी करूंगा राजली हसबरना चिल्ला कहा अगर एक बात है दाई खाना तो बनाओ का खाना पीना खाए की जाऊ बेटी मांगे द्वारका पर में और कहा रे बेटा भद्रीनाथ के पास जाने है हसबरना चल मोर साथ हसबरना कहे बाबा सबके संग में जाऊ तो साथ ना जाऊ ऐसे में कहा भी कहा दादा तो बहुत अपना खानन की खाने वाले अस में थोड़ा सा खाने वाले कहा भूख कहा प्यास लगी थोड़ी समझ भीम कहे बेटा सबके संग जाए तो दंड तकलीफ खा जाए पर मोर साथ कभी नहीं खा सके भूख लगी से बाबा कहे तो पृथ्वी को उलट पलट करके खाना खिलाओ प्यास लगी से बाबा कहे तो काली पट पर एक मुटका मार की पानी निकाल के पानी पिलाओ अगर मैं ना लाइता बेटी मांग ला हूँ जरूर अगर आजकल है मनी मना की बात कहा मैं तो बेटी मांग ला हूँ जरूर अगर तोर मन पर इसका हूँ नहीं ऐसे देख ताक लहे तब बेटी मांगने है तो उन खारा चले जाता नहीं कहा मतलब भीम से पर न कहे कर देख बाबा दंड तकलीफ तो बीच रास्ते में कहूँ ना देश कहा यहाँ बेटा कोई दंड तकलीफ नहीं है साथ में मात्र लाई झूं कहे और कहा ना रे बाबा मन ऊपर जाई तो मैं कैसे कहूँ कि हाँ बाबा मन पर गए मांग दे बेटी कहा एक काम करने है कहा भीम से वहां लड़की से मैं खाना मंगा दे अगर मन पर जाही तो तब तो दो परसा खाना खाए नाम मन पर ही तो एक परसा तो समझ जाओ एक परसा खाए तो लड़का के मन पर जाएगा और दो परसा खाए तो समझ जाओ कि मन पर गए यदि अब परीक्षा कर ले अपना भी बता ऐसा खेला जाए हाँ तो यह बात बोल की ठीक है फिर मैं नहीं बता सकता देवी से कहा दाई खाना बनाए दे खाना बनाए दे मैं बेटी मांगे ना बेटी मांगे जाऊ मैया कौन सी कहा रे बेटा तनक मनो के खवैया न हो तो खाना मैं नहीं बनाए सको बारह बारह चौबीस चौबीस खंडन के खाने वाले आसा जरम भर मोर खाना में बाधा करे थे तुम ना बने तो यह काम कर लिया तो कहा जा तो रे चपरासी जाती टोला में कई हजार छोटा लड़की है बड़ा अकेला खाना के नाम बताए तो नया ही का बड़ा होशियार है ऐसे कहे तो जाके चला भाई चला भीम टोला मरीना से लग कर्मा ददरिया होने वाले अगर जो कर्मा ददरिया में फर्स्ट आ गए तो नहीं कोई वरना खिलाने भीम शादी कर ऐसे कहे तो अब भी गदबदा किया चपरासी भी बड़ा होशियार रहा रे कहा जाए कि लेने जाऊँ कर्मा हो तीन दिन की भूखे पड़े होगा कैसे मार भूखे कहा था बुजुर्ग की दाई सो गाय की तीन दिन तक ना उसने चपरासी नहा धो के आजा खाना खाए के जय है लाने भैया चपरासी राजा घराना के खाना का के सरोवर सागर बंगा ताल में नहाए के लाने भगते भाई नहा धो के आके चपरासी को तेल मांगे तेल नहीं है क्या है तेल नहीं है क्या
तो चोड़ोमने बेहतर कौन जरे सर सलाये बरगोर ठकाई आए ते ही गुल्ली ते किधो पाचो परदारी से चकार की भाई कहे दाई सालों का राखिया तो ठंडाई में लगाओ काटे और वहाँ इस पुछा तलाये तो चौकी लगाई सरा सगवान पत्ता के फल पाएं चाहिए फिर चिता केड़ा के बंदूक धरी एक बड़ा भारी कोट को साजिश एक पट्टी के बहाना रह रहा था करोच लगा के मिला डाली भज्जी के बेल्ट बनाए रहा जब राजा घाना में जाऊं घोड़ा में बैठ के जाऊं खाना खाए के लाने भाई सूखा बरी के छोला धर के घोड़ा खोजे निकल गए चपरासी भड़गन में खोजे घोड़ा कहाँ पावे भड़गा माँ घोड़ा खोजते खोजते सफरिया आए गए पनवा ज्यादा रहे तहा सूखा बरी के छोला खाते कुर्रम कुर्रम हुआ रहे बड़ा भारी रेड़ा की पढ़ा रेड़ा देखकर एक कहे कौन है चार से पत्ते मास के लाने हड्डी गुड्डी जोड़े होते या खाए रहे चपरासी देख रहे रेड़ा को कहे कौन आज अंधियार में चला को बांध के भगी से ऊपर को व्यवहार न मिल की कढ़ाई बना डाली से खाने वाले मिया जी लग जाए गले से पकड़िया घोड़ा जी बड़ा भारी भाड़ा में कूदी से रेड़ा चपरा से उल्टा पछाड़ गिर गए हो होठा तलैये के टोपी रंजन हो गए भाई चपरासी का घोड़ी घोड़न की चर्चा छोड़ो जहाँ खाना खाई यहाँ का कि भीम के पास पे चले गए तो चपरासी को खाना देने 56 प्रकार की भोजन राजन घर की खाना ऐसा खाना बने रहा धंधा प्रकार की खाना और अतलावा बुर्त मच्छी पानी करे जा भरवाला सा नगबा पे टिफोदा रुआ बिनबीजा की भाजी माछी दूध की तरकारी चरह सिकारा चावल की खाना अधा सर्ग मधीमा कर लले बरा चिकन महासोहारी मत महाबदला घोड़ालेत के भजन अगर छठी पर 56 प्रकार की खाना बने रहा वैसा चपरासी के बाप तक खाना न खा रहा है ऐसा खाना तैयार रहा एक पर सदै ने पहला दूसरा तीसरा चौथा या है न कहा आखी मून रे खवाई नहीं जी चपरासी खाते खाते